हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप लोग डियोज़ यूज़ करते होंगे, क्योंकि ये जो क्राफ्ट है ये डियोज़ यूज़ करने वालों के लिए है, जो अक्सर हमें प्रॉब्लम आती है। और डिओड्रेंट के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो इस मैकेनिज्म की होती है। ये मैंने एक नया मॉडल ख़रीदी है सोलिमो की। ये खैर इस परफ्यूम का रिव्यू नहीं है, ये जो इशू मुझे इस परफ्यूम के साथ आती है उसका रिव्यू है। ये एक लिक्विड डिओड्रेंट है, लेकिन ये ख़राब हो गया, तो ये भला पड़ा पूरा। और इसको ज़्यादा शेक करके अगर मैं स्प्रे करूँ तो ये देखिए ऐसे गैस की तरह निकलता है और ये ऐसी आवाज़ भी करता है, तो इट्स नॉट वर्किंग राइट। मैं आपके लिए कंपैरिजन के लिए कुछ डियोज़ लाया हूँ कि आपको पता ही होगा कैसे काम करते हैं। ये देखिए ऐसे स्प्रे निकलनी चाहिए, ये प्रेशराइज कंटेनर होता है। ये कुछ और ब्रांड्स हैं, इनका डेमो नहीं है, लेकिन ये बस बताने के लिए कि कैसे निकलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। मैंने ख़रीदा था और जब से ख़रीदा था ये ऐसा ख़राब निकला, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। और मैं सोचा था पता नहीं अब तो ये सब बेकार ही हो गया और इसको फेंकना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी भरी बॉटल है। एंड मैंने यूट्यूब पे भी सोचा कि कहीं ना कहीं कोई तरीका होगा, बहुत भारी भरकम तरीके हैं। मैंने आज एक बहुत ही आसान तरीका किया है, मैं आपको बताता हूँ क्या। तो मेरे पास एक एल पासो का कैन था जो ख़त्म हो गया, ये गैस का डिओडेंट है, मैं इसको फेंक रहा था। एंड फेंकते फेंकते मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही स्प्रे कर दिया था, तो इसका ये जो प्रेशर है, ये जो टोपी है इसकी, बड़ी यूनिक होती है। इसमें इसमें जो छेद आप देख रहे हैं ना, ये जो कैन का ये जो ट्यूब है ये इसके अंदर जाती है, एंड ये इसको प्रेस भी करता है, और प्रेस करके इसका एक वॉल्व काइंड ऑफ फंक्शन होता है, जैसे कि जो इसका अंदर जो परफ्यूम है वो इसके थ्रू निकलती है। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, हम सोचते हैं कि इसके पैसे एक्चुअल में पैसे इसके होते हैं, होने चाहिए। एनीवे, तो ये खाली हो गया, और इस काम के लिए मैंने इसको काट दिया यहाँ से, ठीक है। आराम से काट लीजिए, अगर आप चाकू, अगर आप छोटे हैं तो ग्लव्स पहन लीजिए या किसी एडल्ट की सुपरविजन में कीजिए। मैंने काट लिया है और ये देखिए बेसिक कंसेप्ट सबका सेम है। इसमें भी एक ऐसी पाइप है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका ये जो मैकेनिज्म है थोड़ा चीप क्वालिटी का होगा या प्लास्टिक है, ख़राब हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं सिंपली ये जो है दूसरे कैन का मैंने निकाल के इसके ऊपर प्लेस कर दिया है, ये अटक गया है। और जब देखिए ये लिक्विड डिओडोरेंट वापस काम कर रहा है। दिस इज अ वेरी इजी टास्क, हम सब लोग डिओडोरेंट यूज करते हैं, समझ आने वाली है। और बहुत सुंदर परफ्यूम है, इसका रिव्यू नहीं है ये, लेकिन अब ये कैन जो मैं फेंक रहा था मैं अब इसको यूज़ कर सकता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बेस्ट फ्रॉम बेस्ट है, ये तो कैन बेकार ही था, हम इसको फेंक रहे थे। आई एम प्रेटी श्योर कि ये जो नोजल है आइंदा मैं तो रखूँगा ही, आप भी रखना। ये हमारे पास अगर कोई इशू आती है हमें कैन रिलेटेड तो हम इजीली सॉल्व कर देंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ। मेरी कोशिश रहती है कि बेस्ट फ्रॉम बेस्ट बनाऊँ, मैं मैक्सिमम कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जैसे कि जो हमारे लिए व्हाट इज़ वन मैन्स वेस्ट इज़ अनदर मैन्स गोल्ड राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ जो कि हमारे बाकी टाइम में हमें मदद कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपके कुछ और कमेंट्स हैं या कोई और तरीके हैं जिससे कि आप इसके अलावा कुछ ठीक कर सकते हैं, अभी देखिए क्योंकि मेरे लिए ये वेस्ट हो गया है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो अगर किसी और फ्रेंड को कोई तरीका पता है कि इसकी नोजल में कुछ इशू थी या क्या थी जो मैंने सॉल्व नहीं करी, मैंने देखी नहीं उस तरफ, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं।